हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी रीडिंग आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है, क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, मैं रीडिंग के एंड में आपके लिए गॉड एडवाइस भी लूँगी और आपको बताऊँगी कि गॉड आपको क्या गाइडेंस देंगे जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं करते, क्या सिर्फ आप ही हैं जो दिन और रात उन्हें मिस कर रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर आपको मिस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था, मैम कभी कभी हम काफ़ी लो एनर्जी फील करते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि पार्टनर कभी नहीं आएंगे, रोना आ जाता है या फिर अकेले में रोते बहुत हैं। तो जब भी ऐसा फील करें, गॉड को याद करें, अच्छी अच्छी बातें याद करें, अपने जो भी आपके सपने हैं, आपके गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं उनके बारे में सोचें, तो आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, ज़्यादा अगर आप दिन रात सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको याद भी करते हैं या नहीं, आपको मिस भी करते हैं या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, फिर चाहे आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, डिवोर्स हो गया आपका, ठीक है, सभी के लिए है ये रीडिंग, अगर आप किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो आप मत देखना, तभी बंद कर देना वीडियो को, लेकिन अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप नंबर वन के लिए मैंने ये कार्ड रखा हुआ है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42। तो अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये वाला कार्ड सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, देख लें अच्छे से कार्ड को। एंड ऑप्शन नंबर टू के लिए मैंने यहाँ पर कार्ड रखा हुआ है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस वाले पाइल को, पाइल नंबर टू को सिलेक्ट कीजिए। बहुत ध्यान से सोच समझ कर एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, देन मैं आपको आपकी रीडिंग पर मिलूंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू, आई होप कि आपने सिलेक्ट कर लिया होगा अब तक एक पाइल। तो अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, मैं आपके सामने कार्ड्स को शफल करके आपको आपकी रीडिंग बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर वन, जिन्होंने चूज किया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42, तो देखते हैं आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं और उनका नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या होगा आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। गाइस, जो भी रीडिंग में आएगा अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप उसको एक्सेप्ट करना, स्टक मत होना अपनी लाइफ में और आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, जो होना होगा गॉड पे सरेंडर कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए, मैंने शफल कर लिए कार्ड्स, अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, जिस तरीके से आप उन्हें मिस करते हैं और याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, पहला कार्ड आ गया हमारे पास, फाइव ऑफ वैंड्स कार्ड आ गया हमारे पास। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, डेविल, पेज
पेज ऑफ सोर्ड्स ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं इनको नहीं लूंगी। टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेन ऑफ सोल्स। ओके चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो साइंस में आपको बता दूं, आप हो सकते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड वर्गो। ये साइन यहाँ पर आए हैं, तो ये साइन हो सकते हैं आपके, आपके पार्टनर के, ठीक है, सन मून वीनस राइजिंग। ओके तो ये पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं करते? ये पार्टनर आपको मिस तो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इन्हें करना क्या है। इस पार्टनर के माइंड में ना काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। अब ये आपको लेकर भी हो सकता है, या आप दोनों के बीच में जो चैलेंज आ रहे हैं ना उनको लेकर भी हो सकता है। ये कन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच, मतलब इस पार्टनर के माइंड में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है इस टाइम। उल्टे लटके पड़े हैं ये पर्सन, इनको नहीं पता इनको कब जाके क्लैरिटी मिलेगी, कब जाके इनका वेट ख़त्म होगा कि ये कन्फ्लिक्ट हट जाए। क्योंकि यस, ये पार्टनर आपके लिए आज भी पैशनेट तो हैं। ये कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि ये पार्टनर आपके लिए आज भी पैशनेट हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन भी फील करते हैं, ठीक है। आपके लिए एक पागलपन सा तो है इस पार्टनर के मन में, आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है, बहुत पैशनेट हैं ये आपके लिए, ठीक है। इस पर्सन को आप बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, और आपके मतलब अगर आपका जो भी मतलब आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। इनके माइंड में आप कभी कभी हैवी हो जाते हो, ऐसी मैं यहाँ पर वाइब गेट कर पा रही हूँ, ठीक है। आपकी अपीयरेंस इनको बहुत पसंद है, आपके साथ सिर्फ मतलब एक 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 जो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है। लेकिन इन सारी फीलिंग्स होने के साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, ये भी प्योर है, अनकंडीशनल लव ये पर्सन फील करते हैं आपके साथ। इनको पता है अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री बैठेगी आप दोनों की, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को समझना, केयर करना, ठीक है, प्यार देना इक्वल। इस पर्सन को ये सारी बातों का पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ डिले ही ऐसा है कि ये पर्सन के माइंड में ना एक कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, बहुत कन्फ्लिक्ट है इस पर्सन को। हो सकता है आप दोनों के बीच में ना कास्ट का, धर्म का कुछ इशू है, ठीक है, बैकग्राउंड आप दोनों का अलग है। इस पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन आपको लेकर भी, और अगर फैमिली अगेंस्ट है तो उनको लेकर भी, ठीक है। हो सकता है फाइनेंस में भी अभी कुछ ठीक नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, फाइनेंस में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन फील कर रहे हैं ये पर्सन, फेस कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है इनके अराउंड, अभी काफ़ी झगड़े वगड़े ऐसे हो रहे हैं इनके साथ। और देखिए यहाँ से भी कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड है ये। यहाँ से मुझे पता लग पा रहा है कि ये पार्टनर कितने पेन में है, कितनी तकलीफ में है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से ना एक और कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, और ये इस थर्ड पार्टी ने ना इनका काफ़ी ज़्यादा दिमाग की दही बनाई हुई है, इनको बहुत परेशान किया हुआ है, और इस कंडीशन में है ये टेन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन में, तकलीफ में। ओवरऑल एनर्जी जो इनकी है ना, काफ़ी ये मैं देख रही हूँ पेनफुल है, इनका दिल टूटा हुआ है, इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं बची है, और ये पर्सन उल्टे लटक गए हैं, क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इनको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि देखिए जो इनका सर है ना, यहाँ पर सन बना हुआ है, सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए भी, आपको तो याद करते हैं। आपका क्वेश्चन था कि आपको याद करते हैं या नहीं, यस ये पर्सन आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, और आपको ना सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते हैं ये पर्सन, आपकी एक्टिविटी जानने के लिए, आप कब ऑनलाइन आए, आप कब क्या पोस्ट कर रहे हो, कौन सी पिक आपने पोस्ट करी, हर चीज़ ये पर्सन देखते हैं, आपका इंस्टा, आपका व्हाट्सएप,
हर चीज़। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, और एक काफ़ी एक हैवी अट्रैक्शन फील होता है, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन, एक एक बॉन्डिंग जो आप दोनों के बीच में थी ना, ये बहुत स्ट्रांग थी जब भी आप दोनों साथ में थे, और आज भी ये पर्सन उस बॉन्डिंग को याद करते हैं, आपके साथ जो कनेक्शन था ना उसको याद करते हैं, ये फील करते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। और देखिए आपने यहाँ से भी ना वुमेन होल्डिंग का कॉइन सेलेक्ट करा, और हमारे पास यहाँ से भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है हमारे पास, सेम कार्ड्स। ये पर्सन आपको बहुत अच्छा मानते हैं, इंडिपेंडेंट मानते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, फिर चाहे आप लड़के हैं या लड़की है। कार्ड्स हमें एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फिर चाहे आप कोई लड़के हैं या लड़की है ये मैटर नहीं करता, कार्ड्स हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बताते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ना अपना एक गुड लक मानते हैं, अपने लिए एक ट्रू कनेक्शन, आपके साथ एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ये पार्टनर आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कर। अब चैलेंजेस है ना, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, गलती इन्होंने करी, आपको छोड़ कर गए, और अब इनको पछतावा भी हो रहा है, किया क्या इन्होंने। लेकिन जो भी है, ये क्वेश्चन था कि आपको मिस करते हैं या नहीं, तो यस मिस भी करते हैं और सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते हैं। आपके साथ काफ़ी अभी भी इनकी जो केमिस्ट्री थी ना, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है, आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, आपके लिए काफ़ी, और मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ आपके पास आ भी रहे हैं, नाइट ऑफ वैंड्स एक्शन का कार्ड आया है हमारे पास। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, लेट्स फाइंड। क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इनका, चलिए एक कार्ड आ गया, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट अगेन, फाइव ऑफ वैंड्स कार्ड आ गया हमारे पास। ओ माय गॉड, ये पर्सन तो बहुत परेशानी में है। अगेन नंबर फाइव, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कभी शायद से इनकी ये कंडीशन आई है ना, टेन ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ से भी हमारे पास टावर मूवमेंट आया है। तो ये जो टावर कार्ड आया है और ये टेन ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से, इनकी एनर्जी बता रही है बहुत तकलीफ में है, पेन में है ये पर्सन, और इनको इस कंडीशन से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हैंग्ड मैन कार्ड आया, ये डिले कार्ड होता है। हमारे पास दो कार्ड्स आ गए हैं, होप नंबर 17 एंड रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास डेस्टिनी कार्ड आया है। ओके, और देखिए अगेन ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, अगेन हमारे पास ये कार्ड आ गया, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कितनी हार्डशिप है आपके पार्टनर की लाइफ में, इन्होंने खुद ही क्रिएट की है। चलिए मैं आपको बताती हूँ जो नेक्स्ट एक्शन जो आपके पार्टनर का है यहाँ पर। तो ये इस पार्टनर को ना सबसे पहले तो अपनी लाइफ में, जो भी इनके लाइफ में अभी हार्डशिप है ना, टफ टाइम है, इस टफ टाइम से ही इस पर्सन को अभी डील करना होगा, क्योंकि इनके लाइफ में हो सकता है वर्क में भी अभी बहुत अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हैं, इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। मैंने कहा ना, एक मेंटल, मतलब एक मेंटली कन्फ्लिक्ट भी है, और इनके अराउंड जो पीपल है ना उनके साथ भी इनके लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि फाइव ऑफ वैंड्स कार्ड आया है, इनके अराउंड काफ़ी नेगेटिविटी है, बहुत एंजाइटी वगैरह ऐसा कुछ फील करेंगे आपके पार्टनर। और नेक्स्ट एक्शन, अब देखिए यहाँ पर ये दो कार्ड आए हैं, डेस्टिनी एंड होप। तो इनको होप है कि एक ना एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, आप दोनों मिलेंगे, एक हो जाएंगे, यूनियन में आएंगे, क्योंकि डेस्टिनी होता है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये हमें बताता है गुड लक। और देखिए यहाँ से भी ना हैंग्ड मैन का कार्ड आया था, तो इसका मतलब होता है डिले, इट मीन्स गॉड टाइमिंग, हमें नहीं पता। और यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया, तो डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ ठीक होगा, ना आपके हाथ में है ना आपके पार्टनर के हाथ में है, ये सिर्फ और सिर्फ गॉड के हाथ में है, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग पर होप है, आज भी होप है आपके पार्टनर को कि डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये खुशियाँ सेलिब्रेशन ये सब आपकी लाइफ में आएगा,
इस पार्टनर को भी होप है और आपको भी होप है। लेकिन अभी ये पार्टनर काफी ज्यादा ना स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, इनकी ओवरऑल एनर्जी अभी काफी पेन वाली है। 10 of Swords हमें यहाँ पर क्लियर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पार्टनर बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सारी की सारी मुश्किलें जो आई हैं थर्ड पार्टी की वजह से आई हैं। ठीक है, इनके अगर ये जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा अभी लॉस फील कर रहे हैं ये पर्सन। लेकिन यस, ये आपको याद तो करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम, क्योंकि जब इनको बुरा फील होता है ना तो आपके साथ बिताया हुआ टाइम ये याद करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप में से लोग आप में से बहुत सारे लोगों ने ना इस पर्सन को ऑफिशियली डेट नहीं करा। हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग की हो आपने या फिर सिर्फ बात वगैरह ही की है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप दोनों का जो लेवल जो ऑफिशियल मतलब आपने डेट नहीं करा इस पर्सन को, ऐसी मैं वाइब गेट कर पा रही हूँ। लेकिन यस, ये पर्सन मिस करते हैं, लेकिन इसकी लाइफ में चैलेंज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पेन में है ये पर्सन। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग पर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए, आपके लिए कुछ गॉड एडवाइस ले लेते हैं। गॉड आपको क्या एडवाइस देंगे जो आपको जानने की जरूरत है। चलिए, एक कार्ड आ गया, इसको देख लेते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बिल्कुल, पास्ट को भूल जाइए, जो भी हो गया है, प्रेजेंट में जियो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। ठीक है, फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करो। जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है तो गॉड पे सरेंडर कर दो, पास्ट को पकड़ कर मत बैठो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उन पर विश्वास करो, फेथ रखो, पूरे होंगे, पूरे होंगे, पॉजिटिव रहो। गॉड आपको कह रहे हैं। चलिए, एक कार्ड और आ गया। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये टाइम है नेगेटिविटी को रिलीज करने का, एकदम प्रॉपर ट्रू इंटेंशन के साथ अपने लव को मैनिफेस्ट करने का, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का। ठीक है, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा नीड है आपको मेडिटेशन करने की। ठीक है, ये सारी बातें गॉड ने आपको बोली, एडवाइस बताई आपको। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं, आपको याद करते हैं या नहीं, या सिर्फ आप ही उन्हें याद करते हैं। चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अगर रीडिंग में जो भी आता है आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप एक्सेप्ट करना, स्टक मत होना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं आपके सामने एक कार्ड को शफल कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं? फिर 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास, सॉरी 3 कार्ड्स आ गए हैं, चैरियट, हाई प्रेस्टेस एंड 7 of Swords। तो कैंसर हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप ही आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं ये। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 of Swords, 4 of Swords, Six of Swords, या फायर, एयर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, Queen of Pentacles, ओके, Empress, what of the deck we have, King of Swords,
तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लिब्रा स्पेशल है कैंसर, पाइसेस वर्गो एंड टॉरस, ठीक है, ये साइन है हमारे पास। तो ये साइन हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर के सन मून वीनस राइजिंग। ओके, तो आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं? गाइस, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो पार्टनर है ना, ये ऐसी मैं यहाँ पर एनर्जी गेट कर पा रही हूँ, ये एक प्लेयर है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और ये भी हो सकता है कि कास्ट भी अलग हो, ठीक है, क्योंकि कास्ट इशू भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये जो पार्टनर है ना, ये पार्टनर या तो इस वजह से, देखिए यहाँ पर रीज़न है कि या तो इन इस पाइल में ना मदर अगेंस्ट है, ठीक है, आपके आप दोनों के कनेक्शन में मदर अगेंस्ट है, जिसकी वजह से ना ये पार्टनर आप लोगों को देख भी नहीं रहे हैं, आपकी तरफ नज़रें नहीं है इस पार्टनर की, ये पार्टनर आपसे भाग रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। और रही बात मिस करने की, तो ये पर्सन इस टाइम, इसने तो सरेंडर कर रखा है गॉड पर, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पार्टनर है ना, इसके फाइनेंस में कुछ ठीक नहीं है, और इसी वजह से ये पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और इस पार्टनर ने अपनी लाइफ में सब कुछ सरेंडर किया हुआ है गॉड पर, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। काफ़ी रेस्ट पोजीशन में है ये पार्टनर आपके, और ये जो पार्टनर है ना, ये मुझे नहीं लग रहा कि आपको ज़्यादा मिस करते हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि या तो इनकी मदर है या फिर कोई और लेडी है, जो कि इसी वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे, उनकी वजह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है यहाँ पर, और ये पार्टनर चाहकर भी आपके पास नहीं आप आ रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर रीडिंग पॉजिटिव नहीं आई है गाइज, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप पहला वाला पाइल देख लेना, हो सकता है वहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर ये रीडिंग मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब गेट कर पा रही हूँ जो मैरिड कपल्स हैं ना उनके लिए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ दिया है इस पार्टनर ने, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और ये जो पार्टनर है ना, ये टोटली आपसे भाग गया है, ठीक है। देखिए आपको किस तरीके से बुरी हालत में छोड़कर भाग गया ये पार्टनर आपकी लाइफ से। ये पार्टनर मैं ऐसा गेट कर पा रही हूँ, एक प्लेयर टाइप के पार्टनर हैं, ठीक है, प्लेयर हैं ये, लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को धोखा देना, ऐसा इसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बात है कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत छुपाते हैं बातों को कभी बताते नहीं है, काफ़ी सीक्रेट पर्सन है ये। और आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने कभी किसी के लिए बुरा चाहा नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको तो मूव ऑन करने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, अगर आप मूव ऑन करते हैं इस पार्टनर, क्योंकि ये पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा, आप कितनी भी कोशिश कर लें ये नहीं आएगा, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, मूव ऑन कीजिए आप, क्योंकि ये जो पार्टनर है ना, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये पार्टनर आपको मिस करते हैं, ये तो, और बल्कि ये तो आपसे भाग रहे हैं। व्हाट ऑफ द डेक से देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है, इट मींस ये पार्टनर कंफ्यूजन में भी हैं, ठीक है, और हो सकता है कि ये जो पार्टनर है ना, ये एक डिवोर्सी पर्सन है, आप में से शायद बहुत सारे लोग एक डिवोर्सी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर ये पार्टनर के पास ऑप्शंस बहुत हैं। और देखिए यहाँ से भी कार्ड आ गया हमारे पास, डेथ का कार्ड, तो मुझे नहीं लगता कि इस कनेक्शन में कोई होप है, ये पार्टनर आपको मिस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, इस पार्टनर ने आपको तकलीफ दी है, आपको छोड़ दिया है, हो सकता है कि आपके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी इस पार्टनर को बिल्कुल भी, एक होता ना इमोशनल फीलिंग्स अटैचमेंट, कुछ भी नहीं है आपके साथ, ठीक है। तो मैरिड कपल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी ये पार्टनर आपके बारे में सोचते नहीं है, दूर भाग रहे हैं ये पर्सन आपसे, इवन इनको पता है कि आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, फिर भी ये पर्सन भाग रहे हैं, आपसे कनेक्शन को ख़त्म करने की विश है इनकी, ऐसा मैं यहाँ पर वाइब गेट कर पा रही हूँ। ये पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, 100% तोड़ा है, और यहाँ पर एडवाइस आपके लिए आई है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहिए,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन करने की ज़रूरत है आपको। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, अपने इंट्यूशंस को सुनो ध्यान से, वो क्या बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में। एक बार मेडिटेशन करो और फिर उसके बाद अपने पार्टनर के बारे में सोचो कि क्या ये पार्टनर आपके लिए ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। और जो मैरिड नहीं है तो भी ये पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और ये पार्टनर आपके आपको मिस भी नहीं कर रहे हैं, ये पार्टनर अपनी ही लाइफ में अभी बिजी हैं। इस पार्टनर का फाइनेंस भी अभी ठीक नहीं है, हो सकता है कि किसी जॉब वगैरह की तैयारी में लगे पड़े हैं ये पार्टनर, और इस पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप और कोई और भी है इस पार्टनर की लाइफ में, और ये पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसी और के साथ स्पेंड करते हैं, आपके साथ नहीं। आपके किसी कॉल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन यस कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। तो ये जो पार्टनर है ये काफ़ी, मैं देख रही हूँ, एक प्लेयर टाइप के पार्टनर है, प्लेयर एनर्जी है इस पार्टनर की, और ये पार्टनर को नहीं पड़ी आपकी बिल्कुल भी। आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, आपके बच्चों को छोड़कर गए हैं, और आपके साथ कोई इमोशनल एक अटैचमेंट मैं नहीं देख पा रही हूँ। इवन इस पर्सन को पता है कि आप कितने अच्छे हैं, इनके लिए बहुत अच्छे हैं आप, आपने इनसे बहुत प्यार किया है, लेकिन फिर भी नहीं, इस पर्सन को नहीं पड़ी आपकी बिल्कुल भी। चलिए एक बार नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। मैं जब भी पिका कार्ड रीडिंग करती हूँ मेरे दोनों पाइल पॉजिटिव आते हैं, ये बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि एक पाइल नेगेटिव आया है, लेकिन ये मैसेजेस कुछ के लिए है, डेफिनेटली है। सैक्रल चक्रा नंबर टू, ओके हमारे पास, चलिए तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये पार्टनर बहुत स्मार्ट है, बहुत क्लेवर है, इसको पता है इसे कब क्या करना है। बैलेंस एंड डिसेप्शन एंड इनवे, एक मिनट गाइस, में रेडी नहीं थी अभी। चलो ये वाला कार्ड ले लेते हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग नंबर। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हार्मनी कार्ड भी आएगा इस, ओके। इस पर्सन को तो पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपका जो कनेक्शन है इनके साथ आपने 100% उसको निभाया है, लेकिन ये पार्टनर तो नहीं है ना। वैसे कहते हैं ना, किसी को अगर गॉड ज़्यादा दे तो उसको हजम नहीं होता, ठीक है, टाइम पर दे दे, एक अच्छा पार्टनर दे दे, लेकिन तब भी ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं। इस पर्सन को ना वैल्यू नहीं है, ये पर्सन बहुत प्लेयर है, ठीक है। देखिए यहाँ से भी कार्ड आया है, डिसेप्शन एंड इनवे, डिसेप्शन है इस पार्टनर में। इस पार्टनर की नज़रें देखिए कैसी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई होप यू कैन सी, देखिए किस एनर्जी में है ये पार्टनर, इसके फेस को देखकर आप देखिए, आपको पता लगेगा, आपको काफ़ी प्लेयर एनर्जी मैं इस पर्सन की देख रही हूँ। देखिए यहाँ से भी सेवन आया हमारे पास, यहाँ से भी सेवन है हमारे पास, तीन टाइम सेवन आ गया। आपको पेशेंस करना है, प्लानिंग करनी है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, आपके इंट्यूशंस आपको क्या बताते हैं, क्योंकि ये जो पार्टनर है ना, मुझे नहीं लग रहा ये तो अपनी लाइफ को ही बैलेंस करने में लगे पड़े हैं। और यस, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कनेक्शन फील नहीं होता, इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, इनके लिए ट्रू लव है, लेकिन फिर भी आपसे भाग रहे हैं। तो ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, और ये पर्सन अपना सैक्रल चक्रा भी ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कास्ट इशू और कोई और थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ देख नहीं रहे, फिर चाहे आप इनके साथ मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो भी ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी इसकी लाइफ में कोई और पार्टनर है जिसके साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं और आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं। चलिए गॉड आपको क्या एडवाइस देंगे ये देख लेते हैं, गॉड क्या कहेंगे आपसे। वी हैव वन कार्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, अगर ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव है
तो रिलीज कीजिए इसको, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपको गॉड जजमेंट दे देंगे, ठीक है, जिसने जैसा आपके साथ बुरा किया है गॉड ने सब कुछ देखा है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, अ पर्सनल इशू रीच अ सोल्यूशन, तो आपके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप काफी इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके जो भी इश्यूज हैं आपको सब कुछ खत्म हो जाएंगे वो, ठीक है, गॉड पे सरेंडर कर दो, बिल्कुल सरेंडर कर दो गॉड पे। होल्ड योर विजन, देखिए अपने इंट्यूशंस को सुनिए, वो आपसे हमेशा जो बताते हैं ना वो सब कुछ सच होता है, इंट्यूशंस कभी भी झूठ नहीं कहते, वो हमारे अंदर की आवाज आती है, हम सबके जो इंट्यूशंस हमें बताते हैं वो सबके लिए सच होते हैं। यू आर गुड इनफ, आप बिल्कुल अच्छे हैं, आप गुड इनफ हैं, आपको किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है। जो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा तो आप उसको लेट गो कीजिए, जो आपके लिए बेटर होगा, जो भगवान के बेटर प्लान्स हैं आपके लिए वो आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आपने किसी के साथ गलत नहीं करा तो गॉड आपके साथ गलत क्यों होने देंगे, ठीक है। तो यस, ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी, लेकिन जिनों के भी साथ हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिनके साथ ये रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हुई है तो आप पाइल नंबर 1 देख लें, शायद वहां से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर आप कोई और वीडियो वॉच कर लें, या फिर नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करें, हो सकता है कि वहां से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, ठीक है। तो यस, लेकिन ये कुछ के लिए बिल्कुल ट्रू है, कुछ की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि उनके पार्टनर को उनकी नहीं पड़ी, उनके बच्चे हैं फिर भी उनको छोड़कर चले गए हैं, और आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे हैं, आप गुड इनफ हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गॉड पर ट्रस्ट कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, बाय, टेक केयर।